सिंगरौली में एक किसान को अपने खेतों में गांजे का पेड़ लगाना महंगा पड़ गया। किसान के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके खेत से करीब 4.50 क्विंटल गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई जा रही है। किसान ने अपने खेत में चोरी छुपे गांजे के पौधे लगाए थे। बता दें कि आरोपी के खिलाफ पैसे के लिए गांजा की खेती करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर आगे की कार्यवाही कर रही है। पुलिस को अवैध गांजे की खेती करने की सूचना मिली, जिस पर कुंदबार चौकी प्रभारी जितेंद्र पाठक, जियावन थाना प्रभारी कुपुर त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम द्वारा लूटी गांव में गांजा के अवैध खेती करने वाले आरोपी धर्मराज सिंह गोड़ को गांजे के पौधे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बरामद गांजे के पौधे को जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। देखिए, कल कुंदवार चौकी प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है गांजा लेकर के जा रहा है और इस पे उनके द्वारा मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, मोटरसाइकिल में जा रहा था। तलाशी में लगभग 2.5 किलो गांजे का उसके पास में NDPS का जो है सामान बरामद हुआ था। उससे जब पूछताछ की गई और उसने बताया कि लगभग उसने ये खेत में 500 पौधे और लगा रखे हैं, तो पुलिस जो है उसकी निशादेही पे वहाँ पर जाके उन पौधों को भी पुलिस ने जब्त किया है। टोटल जो वेट है उसका लगभग 4 क्विंटल से अधिक है। इसमें कुंदवार चौकी में NDPS एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है और जो आरोपी तिलक राज है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें और भी सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।